राजधानी लखनऊ में मड़ियाव थाने के अंतर्गत फैजुल्लागंज दो के नया पुरवा में विनोद वाजपेयी द्वारा आयोजित मड़ियाव थाने के केशव नगर पुलिस चौकी के समस्त पुलिस कर्मियों एवं सिविल डिफेंस का सम्मान अंगवस्त्र देकर व पुष्पमाला पहनाकर किया गया। नया पुरवा निवासियों द्वारा पुलिस कर्मियों पर पुष्प वर्षा भी की गई। इस मौके पर ओम प्रकाश शुक्ल, पूर्व मंडल महामंत्री भाजपा अंकुश वाजपेयी जी, किशोर प्रजापति, आरएन अन्नू उपस्थित रहे। मैं गौरव वाजपेयी, जैसे कि आज हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जो आयोजन करता है उनसे आज जानते हैं कि क्या कार्यक्रम हुआ है और इस लॉकडाउन के चलते क्या कैसा है वो कार्य कर रहे हैं और आगामी उनकी रणनीति क्या है। अंकुश वाजपेयी जी, थोड़ा सा आज जो कार्यक्रम है तो यहाँ पर हो रहा है उसके विषय में थोड़ा सा अवगत कराएं। आज हम लोगों ने पुलिस प्रशासन जो है चौकी इंचार्ज और पूरा स्टाफ है उनका सम्मान किया गया और जो सिविल डिफेंस के सदस्य और जो सफाई कर्मी उन लोगों का सम्मान किया गया। इसलिए हमारे मोहल्ले में सभी लोग कह रहे थे कि हम लोग कुछ ऐसा शासन मतलब सदस्यों का सम्मान करें। अच्छा, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला ये जो आप अभी बात कर रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस के नाते से आप काफ़ी समय से इसमें जुझारू तरीके से जुटे हुए हैं, तो आपने क्या मुख्य समस्याएं देखी इस लॉकडाउन के चलते? मुख्य समस्या से यही है, कुछ व्यक्ति हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और हम लोगों ने वही काम किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को निर्देश दिया उसके अनुसार। तो सर, ये क्या ये पहली बार आपने तो ये जो कार्यक्रम आज किया है सैनिटाइजर मास्क और ये सारी चीज़ों का वितरण, तो ये प्रथम बार है या पहले भी आप करते चले आ रहे हैं? नहीं नहीं, हमारे सिविल डिफेंस के सदस्यों ने पहले भी मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया हुआ है। वैसे भी हम लोग राशन की दुकानों पे सब कहीं जहाँ पे हम लोगों को निर्देशित किया जाता है वहीं पर पहुँचते हैं। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? प्रीति एम शाह। मैम, ये जो कोरोना काल में हम देखते चले आ रहे हैं लॉकडाउन के चलते काफ़ी कुछ समस्याएं लोगों के जीवन में आई हैं, तो आप किस तरीके से उनकी हेल्प कर रही हैं? देखिए, बहुत तरह की समस्याएं हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा आई है वो असंगठित कामगारों के जीवन में आई है। और असंगठित कामगार वो जिनका कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पुख्ता है या ना ही ऐसा है कि उनकी तनख्वाह है। अब एक मजदूर है, एक मिस्त्री है, उसका काम बंद हो गया तो वो क्या करेगा? एक आइसक्रीम का ठेला लगाने वाला है, उसका काम बंद हो गया, पर क्या पेट तो किसी का नहीं बंद हो जाएगा ना। तो ऐसे परिवारों को राशन देकर, और चार लोगों का परिवार है तो हम उनको इतना राशन देते थे कि कम से कम 10 दिन तक चल जाए, फिर 10 दिन के बाद हम कोशिश करेंगे कि उनको फिर दोबारा पहुंचा सकें। तो इस तरह की मदद हमने पिछले 70 दिन में करी। आपने जैसे राशन वगैरह वितरण वगैरह का कार्यक्रम किया पूरे लखनऊ में, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया, हमारे ग्रुप तो, ने करा वो, जी आपके ग्रुप के द्वारा किया गया, लेकिन क्या कुछ समस्याएं आपको जो देखने को मिली इस लॉकडाउन के चलते, जो पुलिस के द्वारा शासन प्रशासन के द्वारा सख्ती है जो बरती जा रही है उसको दृष्टिगत रखते हुए आपने क्या जो फेस किया? नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि सख्ती बढ़ती जा रही है वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पढ़े लिखे को छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे लोग ही जो हैं वो नियम कानून का पालन नहीं करना चाहते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो वो तो मेरे बिल्कुल उसके वो तो मतलब आई एम वेरी ग्लैड कि वो सख्ती अभी रहनी भी चाहिए, अगर लोगों के जीवन से लोग चाहते हैं कि लोग जीवित रहें। दूसरी बात है, हमें ऐसा कोई खास फेस नहीं करना पड़ा। एक दिन ज़रूर मेरे बेटे की कार रोकी गई, वो भी इसलिए रोकी गई कि उन्होंने बोला कि ये बस्ती रेड जोन एरिया में आप क्यों जा रहे हो। तो उसने बताया और उसने जिनका नाम लिया कि मतलब सदर SDM सदर जो हैं वो मेरी मदर ने उनसे भी बात करी हुई है, तो उन्होंने खुद कहा कि बेटा हम जाने देते हैं लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर ये रेड जोन की तरफ है तो तुम इन लोगों को राशन मत दो और किसी को हम अपने आदमी को आपके साथ भेजेंगे तब आप राशन पहुँचाइएगा। तो इस तरह की, वरना एक्चुअली आपको मैं बताऊँ कि जितना अच्छा रोल पुलिस का इस लॉकडाउन में देखने को मिला है, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे 500 ग्रुप का जो साथी हैं मतलब इस ग्रुप के हर आदमी का कहना है, वो मदद, वो उनका रूप और वो मानवता की मतलब उन्होंने मूर्ति इस टाइम में पेश करी है कि जो हम कह ही नहीं सकते, पूरी छवि बदल गई है इस वक्त। क्या मैम ये बताएं, थोड़ा सा अवगत कराएं कि ये जो आपका सामाजिक संगठन है ये सिर्फ लॉकडाउन में ही कार्य करता है या फिर अन्य जो ऐसे भी जो नॉर्मल डेज जो रहते हैं उसमें भी कार्यरत है? देखिए, जो हमारा ग्रुप बना था जिसका नाम सपोर्ट ग्रुप लखनऊ कोविड-19 है,
वो 500 लोग उसके अंदर विभिन्न संस्थाएं और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का बना था, ठीक है। तो उसमें बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनका आपने खुद भी नाम सुना होगा, उसमें एक्शन एड इंडिया, एक्शन एड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वाटर एड इंडिया वो भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, विज्ञान फाउंडेशन, तो इन सब लोगों ने, इस तरह की संस्थाओं ने मिलकर बनाया था। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं कहीं नौकरी करती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक 18 साल पुरानी संस्था है जिसमें कोई एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि मैं कोई उस संस्था में फंड अभी तक मैं ऐसा कहीं कलेक्ट नहीं करती। पर मेरे साथियों ने कहा कि आप उसी संस्था के नाम से काम कर लो, जब कर ही रहे हो आप मदद सबसे, अपने दोस्तों से इकट्ठा करके पैसा, तो उसका नाम है बाला फाउंडेशन, तो फिर मैंने उससे करा। लेकिन जो मैंने आपको विज्ञान फाउंडेशन बताया, ये संस्था एक ऐसी संस्था है, और एक्शन एड जो कि असंगठित कामगारों के अधिकारों पे पता नहीं कब से काम कर रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो एक्शन एड बड़ी संस्था है, वो पूरे उत्तर प्रदेश में करती है, और विज्ञान फाउंडेशन कुछ ज़िलों में करता है, सबसे ज़्यादा लखनऊ की मलिन बस्तियों पे और इनके यहाँ पे जो कामगार रहते हैं उनके अधिकारों पे। तो ये सब लोग असलियत में जानते हैं कि कहाँ पे किनके घरों में इस वक्त दिक्कतें हैं, या लॉकडाउन के चलते किनके काम बंद हैं, तो उनके परिवारों में क्या चीज़ की कमी आ रही है, ये बात। आपने इस लॉकडाउन के चलते अपना कुछ खास अनुभव जो शेयर करना चाहेंगे दर्शकों से? मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बहुत अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, लेकिन ये कड़वा सच है। मुझे मेरे ही जानने वाले, जो कि संभ्रांत लोग कहा जाता है, या तो जिनकी पेंशन भी आ रही है या जिनकी नौकरियां चल रही हैं, तो सोचिए कि हम अगर एक परिवार हैं, हमारे घर में एक हमारा हाउस हेल्प आता है, तो हम उस हाउस हेल्प की मदद नहीं कर सकते क्या? लेकिन आपको पता है, जो संभ्रांत परिवार है वो भी मुझे फ़ोन करके कहते थे कि भाभी जी, हमारे यहाँ के उसको आप राशन दे देंगी? मैं कहती थी बिल्कुल भेज दीजिएगा। मगर मैं आपको सिर्फ ये बात बता रही हूँ कि क्या उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये आदमी इतने साल से हमारे जूठे बर्तन धो रहा है, तो इसकी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है, और वो प्रीति जी का जो राशन बचेगा वो शायद किसी एक और किसी पात्र को पहुँच सके। लेकिन ये अंतर है हमारी सोच का। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप दर्शकों से क्या साझा करना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये साझा करना चाहूँगी कि अगर हम में से हर आदमी ये सोचे कि हम, आपने हमेशा देखा होगा कि हम जब इस दुनिया में है तो इस दुनिया के प्रति भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। मैंने बचपन से ये बात सीखी है कि हमें जो कुछ मिला है उसमें बहुत सारे लोगों का हिस्सा है। अगर हम सभी लोग ये सोच के चले ना कि इसमें बहुत